सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू विद मैनी वीडियो। मैं हूं हमजा, आप देख रहे हैं हमजा भाई YT YouTube चैनल। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इलेट पासेस रिटर्न के हवाले से। हमें जितने भी इलेट पास मिले हैं वो सारे के सारे रिटर्न पे आने वाले हैं। सीजन 1 एंड सीजन 2 भी आने वाले हैं, एंड सीजन 1 एंड सीजन 2 हमें जनवरी के मंथ में मिल जाएगा। तो उसी के बारे में आपको बताने वाला किस इवेंट में मिल सकते हैं। एंड इसी के साथ यार हमारे इलेट पासेस ना वो भी ख़त्म होने वाले हैं फ्री फायर से, ठीक है। हमें इलेट पास की जगह बूया पास मिलेगा, तो आने वाला बूया पास भी दिखाने वाला हूँ हमें कौन से आइटम्स मिलेंगे। एंड इसी के साथ यार फ्री दिसंबर इलेट पास के हवाले से भी बात करने वाले हैं। सो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है यार, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। एंड यार अगर चैनल पर नए हो तो इसी तरह इवेंट्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यार हमारे पास ना एक मनहूस खबर है कि हमारे फ्री फायर से जो है ना इलेट पासिस वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेट पासिस जो है वो फ्री फायर से ख़त्म हो रहे, बट नाउ इट्स टाइम टू से। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो गुड बाय इलेट पास, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल ट्रेलर निकल कर आया फ्री फायर के ऑफिशियल चैनल पर, ये रिलीज़ कर दिया कि लास्ट फ्री ऑन दिसंबर, ठीक है। तो ये लास्ट हमें दिसंबर का इलेट पास मिल जाएगा, जो कि सभी सर्वर पर फ्री में मिलेगा फ्लेयर सूट, ठीक है। तो बूया पास हमें मिलेगा 2023 से, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड में इसको समझे ना तो इलेट पास जो है वो बूया पास में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब इलेट पास का नाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड उसकी जगह हमें बूया पास देखने को मिलेगा। सो वीडियो में आगे चलकर आपको आने वाला जो बूया पास है जनवरी का 2023 जनवरी का जो बूया पास रहने वाला है उसके आइटम्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को यार कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें दिसंबर का इलेट पास भी मिल जाएगा 1 तारीख पर। तो आपने पहले जो है इलेट पास को परचेज़ नहीं करनी, 1 तारीख पर आपको लॉग इन पर जो है दिसंबर का इलेट पास मिल जाएगा, एंड ये हर प्लेयर को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें एज अ गिफ्ट गरीना की तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि भाई इसके बाद ना हमें इलेट पासिस नहीं मिलेंगे। मतलब दिसंबर का जो इलेट पास है वो लास्ट इलेट पास रहने वाला है फ्री फायर का। तो हमें दिसंबर का इलेट पास सारे सर्वर पर हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, एंड जनवरी का जो हमें मिलेगा ना उसका नाम बूया पास होगा, ठीक है। तो बूया पास यहाँ पर आप इसके आइटम्स देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यार हमारा जो पहला बूया पास रहने वाले हैं, तो यहाँ पर इसके आइटम्स आप देख सकते हो। तो बूया पास जो है कुछ इस तरह का देखेगा, मे बी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जो है ना फीमेल वाला बंडल आप देख सकते हो, कितना लेजेंडरी बंडल है यार, काफ़ी ओपी लग रहा है। ये गर्ल वाला बंडल है, मेल जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट को दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर ये जो है स्काई बोर्ड रहने वाला है, ठीक है। तो इसका नाम बूया पास है, ठीक है, इलेट पास नहीं। यहाँ पर हमें लेजेंडरी गन मिलेंगे, ठीक है, इस बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमेशन भी हमें मिल रहा है इस गन में, एंड साथ ही एट्रीब्यूट्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर बैनर आप देख सकते हो, साथ ही यार ये एक ऑफिस ऑफ फैन का स्किन जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो एनिमेशन भी मिल जाता है, साथ ही यार यहाँ पर हमें ये वाला एरर वाला बॉक्स मिल जाता है, जिसमें से एरर वाला लोगो आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर बैकपैक जो है काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है। तो हमारा ये पहला बूया पास रहने वाला है, ठीक है। तो यार ये वाला बैकपैक जो है हमें आने वाले बूया पास में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पैराशूट भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहला ग्लू वॉल स्किन जो है हमें आने वाले बूया पास में कुछ इस तरह का जो है दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर गाइस नेट स्किन रहने वाले हैं आने वाले बूया पास का। तो यहाँ पर मेल का ये बंडल आप देख सकते हो। तो हमारे बूया पास में जो है हमें ये वाला मेल वाला बंडल मिलने वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी बंडल है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी आइटम्स जो है हमें बूया पास के अंदर देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो इस बंडल में से, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसके लिए आपको ये टोकन्स चाहिए होंगे, जो कि आपको डायमंड्स परचेज करने होंगे। मतलब यहाँ पर भी आपको डायमंड्स लगाने होंगे, ठीक है। एंड बूया पास के जो प्राइस है ना वो आपको इलेट पास से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको बूया पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा इन गेम अगर आप परचेस करने जाते हो। तो ये एक माइनस पॉइंट है। बेटर रिवार्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्लू वर्ल्ड हमें लेजेंडरी मिलेंगे, साथ ही स्किन्स भी हमें लेजेंडरी मिलेंगे, एंड जो बंडल्स मिलेंगे वो भी लेजेंडरी होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गाइस इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो यार ये थे कुछ आइटम जो कि हमें आने वाले बूया पास में मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ बात कीजिए सीजन 1 एंड सीजन 2 की
ड्यूटी टर्न के हवाले से। तो हाँ गाइस, हमें जो है ये दोनों के दोनों बंडल्स मिलेंगे जनवरी में, ठीक है। तो लकरियल इवेंट में मिल सकते हैं या फिर गजा इवेंट में। लेकिन इसी के साथ जो ओल्ड पुराने इलेट पासेस हैं उनके बंडल्स हो गए, आइटम्स हो गए, तो कहा जा रहा है कि हमें बुया पास में से क्रेट्स मिलेंगे एंड उसमें जो है हमें इलेट पास के रेयर रेयर आइटम जो है उन क्रेट्स में से रिटर्न पे मिलेंगे, ठीक है। ओल्ड इलेट पास के जो रेयर आइटम्स है वो भी हमें क्रेट्स में से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको अलग से डायमंड स्पेंड करने होंगे। मतलब ये है कि गाइस के फ्री फायर में कुछ भी जो है रेयर नहीं रहा, ठीक है। जितने भी रेयर आइटम्स हैं ना वो एक एक करके आएंगे, ठीक है। तो सबसे रेयर जो चीज़ थी वो यहाँ पर सीज़न वन एंड सीज़न टू थी, तो ये बंडल्स काफ़ी ज़्यादा रेयर थे एंड ये भी जो है जनवरी में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो रेयर आइटम्स कुछ रहेंगे ना वो भी जो है हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यार धीरे धीरे करके हमें जो है सारे रेयर आइटम्स एक एक करके मिल जाएंगे इवेंट्स में से, ठीक है। एंड आपको मैं ये भी बता चल रहा हूँ कि गाइस आपके डायमंड्स इतने नहीं लगेंगे, ठीक है। आप जो भी रेयर चीज़ निकालना चाहते हो, आइटम्स निकालने वाले हो ना, तो इस पर आपके डायमंड्स भी काफ़ी ज़्यादा कम लगेंगे, क्योंकि फ्री फायर जो है वो न्यू चीज़ें जो आने वाली है उस पर आपके डायमंड्स ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। जो ओल्ड आइटम्स होते हैं ना उस पर आपके डायमंड्स काफ़ी ज़्यादा कम लगेंगे, कि भाई उस पर ऑलरेडी उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए गरीना ने पहले से ही, ठीक है। तो आने वाले जो आइटम्स होंगे उस पर आपके ज़्यादा डायमंड्स लगेंगे। जो अभी रिसेंटली ये वीओ बंडल हमें मिला उस पर काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स आपके लगेंगे, ठीक है। अगर आप उसको जो है चार बंडल्स अगर आप अनलॉक करते हो तो आपके कितने डायमंड्स, 7-8 हज़ार तक एक ही बंडल पर आपके डायमंड्स लग जाते हैं। तो मतलब ये हुआ गाइस के जो ओल्ड आइटम्स है फ्री फायर की नज़र में उनकी कोई औकात अब नहीं है, ठीक है। तो यही सीन है यार। और अब यार गरीना से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं कि भाई हमें टॉप क्रिमिनल्स सबसे ज़्यादा रेयर थे वो भी हमें जो है सारे के सारे हैक इवेंट में मिल गए एंड अब जो है ये जो रेयर थे सीज़न वन एंड सीज़न टू इलीट पास ये भी हमें मिल जाएंगे। तो अब गरीना यार कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर पसंद नहीं है तो यार वीडियो को कर देना लाइक एंड मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना एंड अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।